बीते दिनों पचमठा मोहल्ले में मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल हुए अब्बासी के घर वापस आते ही एम्बुलेंस पर हुआ पथराव, मामला पहुंचे थाने। 11 जून को सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पचमठा के पास ही वसीम अब्बासी और उनके परिवार के कुछ लोगों पर पचमठा निवासी कई लोगों ने हमला कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसके बाद वसीम को इलाज के लिए इलाहाबाद में भर्ती कराया गया था। शनिवार को वसीम को वापस रीवा लाया जा रहा था। जैसे ही वो पचमठा के पास पहुंचे, तभी एम्बुलेंस के ऊपर पथराव कर दिया गया, जिससे विवाद की स्थिति बन गई। वसीम के परिजनों का आरोप है कि यह पथराव मारपीट की घटना में शामिल इश्तियाक खान उर्फ बोले के पिता ने किया है। इस घटना के बाद वसीम के परिवार के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। उनका आरोप है कि यह सब स्थानीय पार्षद के इशारों पर हो रहा है। इलाहाबाद से आ रहे थे, ऑपरेशन करा के चारों पर। क्या हुआ घटना? अभी घटना जैसे अपने घर से मुड़े वैसे ही पत्थर मारने लगे वहाँ से। कौन मारा पत्थर? वही गोले के बाप का और चार लोग और लेडीजे थे, और उसके ड्राइवर से वो मैंने अच्छा व्यवहार करने लगे थे। उनसे लेफ्ट कर रहे थे, उसने जल्दी से गाड़ी घर तक निकाली। हमारा बीपी भी ज़्यादा हो गया है। अभी जब बीपी लो सही हुआ, जब अभी थाने आए, हमें सिर्फ सुरक्षा चाहिए। ना हमको झगड़ा, हमें सिर्फ सुरक्षा चाहिए कि हमें कोई कुछ कहे ना। साढ़े पाँच बजे वसीम खान और एक भतीजा एक भांजे को इलाहाबाद से आ रहे थे। जैसे घर पहुँचे, ऊपर से पत्थर चलने लगा, और सुपिया इसमें मैन है, जो लड़ाई गाती सुपिया प्रसाद जो है थाने व्यवस्थित रिपोर्ट लिखवाती है झूठा झूठ मार के, इसकी जांच की जाए। अभी 25 दिन हो गया और कोई मुलजिम नहीं पकड़े गए। 3 आदमी सेंडर कर दिए, पुलिस मान रही है। तत्काल पुलिस पकड़े, उसको दंड दे।